दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में ही Redmi ने Redmi K20 और Redmi K20 Pro स्मार्टफोन को चाइना की मार्केट में लॉन्च किया है, तो ऐसे में दोस्तों अब कुछ लीक्स और रूमर्स Poco F2 के भी आने लगे हैं। मतलब कि दोस्तों इस मोबाइल फोन की कुछ लाइव इमेजेस लीक हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों इस मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 855 का पावरफुल चिपसेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Poco F2 स्मार्टफोन के बारे में, बताऊंगा कि यह मोबाइल फोन इंडिया मार्केट में कब लॉन्च होगा और किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। तो ये जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। दोस्तों Poco F2 पर हमें ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप, ग्लास बैक और ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जाएगी। अगर फ्रंट की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.39 इंच FHD प्लस एक एंड्रॉइड डिस्प्ले मिलेगी, जिस पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जैसे हमें Redmi K20 और Redmi K20 Pro स्मार्टफोन पर देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें Qualcomm Snapdragon 855 का पावरफुल चिपसेट मिलेगा और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6GB प्लस 128GB का एक वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलती है, मतलब कि मोबाइल फोन पर हमें माइक्रोएसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। कैमराज की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसमें रियर साइड में मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का और दोस्तों सेकेंडरी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का, जो एक वाइड एंगल सेंसर होगा। और दोस्तों जो थर्ड सेंसर होगा दोस्तों हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो एक टेलीफोटो लेंस होगा। मतलब मोबाइल फोन पर हमें 2x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 20 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। मतलब कि दोस्तों Poco F2 कैमरे के मामले में एक बेहतरीन स्मार्टफोन रहने वाला है। अगर बैटरी की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो क्विक चार्जिंग 4.0 को सपोर्ट करेगी, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 27 वाट का बॉक्स के अंदर एक चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मोबाइल फोन एंड्रॉइड क्यू यानी कि एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाएगा। MIUI 11 की सपोर्ट भी हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक और सभी तरह के बेसिक सेंसर हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन। अगर दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों ये मोबाइल फोन अप्रोक्स हो सकता है 25,000 और 26,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च। अगर लॉन्च डेट की बात की जाए तो दोस्तों अभी तक इस मोबाइल फोन की कोई भी कन्फर्म ऑफिशियल डेट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन दोस्तों Redmi K20 और Redmi K20 Pro स्मार्टफोन के लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ये मोबाइल फोन हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मोबाइल फोन कब तक इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।